नवरात्र के लगभग पवन सिंह के भी ऑलमोस्ट सभी गीत आ चुके हैं और खेसारी के भी सभी गीत आ चुके हैं। कहाँ ये हो रहा था कि पवन सिंह नवरात्र पर गीत नहीं लाएंगे, लेकिन पवन सिंह ने अपने 4 से 5 गीत लेकर आए और खेसारी ने तो बाढ़ ही ला दी। खैर, आपको हम यहाँ ये बता दें कि नवरात्र में बहुत सारे कलाकारों के गीत आए, लेकिन ट्रेंडिंग में सिर्फ 2 ही गीत आए। दो गाने ट्रेंडिंग में आए। पहला आया आरा के मेला और दूसरा आया गांव के दशहरा। पहला था खेसारी का और दूसरा था पवन सिंह का। खेसारी का गाना YouTube ट्रेंडिंग के म्यूजिक तक ही सीमित रहा, लेकिन पवन सिंह का गाना YouTube के मेन ट्रेंडिंग और YouTube के म्यूजिक ट्रेंडिंग में भी जमकर बज रहा है। वैसे आपको बता दें कि अब दोनों का कंपेयर होने लगा है कि किसके गाने सबसे ज़्यादा बजे इन दिनों पंडालों में। तो अभी तो है, दुर्गा पूजा चल रही है, तो अभी से ये कहना गलत होगा कि इस नवरात्रि का बेताज बादशाह कौन है। लेकिन भाई, जिस तरह से पवन के गानों पे व्यूज आए हैं धड़ाधड़, सिर्फ उनके 3 गाने ही वीडियो वाइज रिलीज हुए और सिर्फ पवन के 4 गाने वीडियो वाइज रिलीज हुए और चारों के चारों गानों में व्यूज जिस तरह से आया, उसे देखने के बाद लोगों की आंखें चकरा गई। और वहीं खेसारी लाल यादव के गानों पर भी जमकर व्यूज आए, फिर वो चाहे चुनरिया वाला गाना रहा हो या फिर आरा में मेला वाला गाना रहा हो, बहुत सारे ऐसे गाने थे जो दब गए अच्छे गाने होने के बावजूद। इसका कारण ये बताया गया कि लगातार खेसारी लाल यादव के गाने रिलीज होते रहे और जिससे फैंस का ध्यान उन पर नहीं। लेकिन खेसारी के कुछ गाने ऐसे भी आए जो कि बहुत ही खूबसूरत थे और वो बज भी रहे हैं, लेकिन इन सब से ऊपर पवन के गाने ने अपनी बाजी मारी है। और पवन का गाना दशहरा वाला जो है, गांव के दशहरा, वो बहुत ज़्यादा ही लोगों को पसंद आया है, जबकि उनका पहला सॉन्ग काली माई की क्रिया जो है उतना लोगों को रास नहीं आया, लेकिन उनका दूसरा सॉन्ग जो कि डियरी रिलीज हुआ नीलम गिरी के साथ, वो लोगों को बहुत पसंद आया। वर्ल्ड वाइड भोजपुरी पे जो रिलीज़ किया गया, उसके व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। तकरीबन 60 से 65 लाख लोगों ने उसे 2 दिनों में ही देख लिया है। तो गाना जो भी पवन सिंह का आया है, बहुत ही बेहतरीन आया है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा बाजी मारते हुए नज़र आ रहे हैं पवन सिंह, लेकिन अभी 2 दिन और है नवरात्रि के, कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा। लेकिन आपको सिर्फ ये कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए पवन सिंह भारी नज़र आ रहे हैं। यूँ कह लें कि पवन सिंह 20 नज़र आ रहे हैं और खेसारी यहाँ 19 नज़र आ रहे हैं, जिनके गाने बहुत ज़्यादा बज रहे हैं। वो कोई और नहीं, पवन सिंह ही है। पवन सिंह के बाद शिल्पी राज के गाने भी बहुत बज रहे हैं और यकीन मानिए, शिल्पी राज भोजपुरी की बहुत ही बेहतरीन और दमदार गायिका बनकर उभर रही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।